अमित मालवीय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। बीजेपी का दावा कि ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ में चित किया है बीजेपी ने और ममता बनर्जी को हराया है। बीजेपी का दावा है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार गई है और यही बात थोड़ी देर पहले नुपुर शर्मा कर रही थी। नुपुर, अगर आप मुझे सुन पा रही है, ममता बनर्जी भले ही जीत का जश्न मना रही है, लोगों को संबोधित कर रही है, लेकिन आप लोग, हम इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल डेटा का इंतजार करेंगे, लेकिन आप लोग दावा कर रहे हैं, बीजेपी दावा कर रही है कि जीत गई है बीजेपी, शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया है ममता बनर्जी को नंदीग्राम से। देखिए सुचरिता जी, मेरे पास एक अन्य टीवी चैनल से भी खबर आई है और मेरे पास हमारे हेडक्वार्टर से भी, पार्टी के हेडक्वार्टर से भी खबर आई है कि ममता बनर्जी जी 1622 वोट से नंदीग्राम की सीट हार चुकी हैं। और इस आपके शो के शुरुआती दौर में हमारे को यही इम्प्रेशन था कि ये जीती है, इसलिए इनको बधाई दी, लेकिन आज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये किस तरीके का अहंकार है कि यहाँ पे भी रिज्जू जी जो टीएमसी का पक्ष रखते हैं, वो इस सब के होने के बावजूद जो हो रहा है वहां पे उसको सही बता रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय 6 बारी खिंचाई करता है ममता दीदी की सरकार की कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद कीजिए, आप दुर्गा देवी विसर्जन कैंसिल करते हैं कि मोहर्रम चलता फिरे, 2 युवकों को आप अरेस्ट करवा देती है, उनसे कहती है कि खाल उधेड़ दूंगी क्योंकि वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, इमामों तो बड़ी खबर